जयपुर पुलिस आयुक्त श्री बीजू जॉर्ज जोसेफ ने गुरुवार को शिप्रापत थाने में जनसुनवाई कर परिवादियों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। आमजन ने पुलिस द्वारा किए गए नवाचार को सकारात्मक कदम बताया। जनसुनवाई की खास बात ये रही कि परिवादियों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। समय लगने वाली अन्य समस्याओं के जल्द समाधान के लिए भी निर्देश दिए गए। श्री बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि परिवादियों की समस्याओं के तुरंत समाधान के जल्द ही सप्ताह में एक दिन सभी वृत्त क्षेत्रों में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चारों जिलों के एक एक वृत्त क्षेत्र में जनसुनवाई की योजना है ताकि संपूर्ण जिला एक माह में कवर हो जाए और आमजन को तुरंत राहत मिले। आयुक्त ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान क्षेत्र में साइबर फ्रॉड, धोखाधड़ी, अतिक्रमण, मादक पदार्थों के सेवन, जमीन पर अवैध कब्जा, जमीन के डबल पट्टे, धमकी, मुकदमे, अवैध शराब बिक्री, क्षेत्र के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों द्वारा सामाजिक कार्यों की शिकायत मिली है। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में संचालित हॉस्टल्स में रहने वालों का वेरिफिकेशन करवाने, क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, परिवादियों की समस्याओं का तुरंत रिस्पॉन्स देने और निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री कैलाश चंद्र बिश्नोई, डीसीपी साउथ श्री योगेश गोयल, एसीपी श्री अभिषेक शिवहरे और संबंधित थानों के एसएचओ और अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान सुडाला, मानसरोवर, चाकसू व वृत्तों से संबंधित क्षेत्र के परिवादियों ने अपनी समस्याएं पुलिस आयुक्त को बताकर समाधान पाया। हम चाह रहा था कि बहुत सारे संख्या में आयुक्तालय में लोग आयुक्तालय के विभिन्न क्षेत्रों से आपके परिवार देता है, तो उसको फॉलोअप में वहां हम हेड ऑफिस में बैठ के जब करता है तो यहां फोन करके पूछना पड़ता है, कभी उसका पता नहीं चलता कि फीडबैक सही है क्या नहीं। तो हमने सोचा कि इलाके में जाके हर वृत्त क्षेत्र में, हर जिले का हर वृत्त में हफ्ते में एक बार इस तरह का शिविर लगाएं, क्योंकि हर जिले का, चारों जिलों का एक एक वृत्त एक महीने में कवर हो जाएंगे। इसी प्रकार ये जो प्रैक्टिस हमने शुरू किया वो लगातार जारी कर रखने का है हमारा। सर, एक ईएफआईआर के खिलाफ भी काफी शिकायत है, आपने कार्रवाई का निर्देश भी दिया कुछ अवैध शराब बिकने की? बहुत सारे बहुत प्रकार की शिकायतें आई है, कोई मुकदमे के संबंधित है, कोई तुरंत रेस्पॉन्स नहीं होने के संबंधित है, कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज चलने के संबंधित है, तो धीरे धीरे एक एक करके हम उसको एड्रेस करके व्यवस्था ठीक कराने का पूरा प्रयास। सर, शहर भर में संचालित हॉस्टलों से भी शिकायत